इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने इतिहासकारों के सिकंदर को महान बताने की आलोचना की है। योगी ने लखनऊ में एक सभा में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक योद्धा सिकंदर को हराया था, मगर इतिहास में चंद्रगुप्त की बजाय सिकंदर को महान बताया गया। सिकंदर महान था या नहीं, इसे लेकर बहस भारत के बाहर भी चलती रही है। ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, मगर ईरानी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग ही दिखती है। प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी पर्सेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को ये तीन बातें बताई जाती हैं। इसे डेरियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे ज़ेरक्सस ने और बढ़ाया, और इसे उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम सिकंदर था। उस इंसान सिकंदर को पश्चिमी संस्कृति में सिकंदर महान कहा जाता है, जिसने ईरानी साम्राज्य को जीता और जो इतिहास के महान योद्धाओं में से एक था। हालत यह है कि यदि कोई पश्चिमी इतिहास की किताबों को पढ़े तो उसे ये सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि ईरानी बने ही इसलिए थे कि सिकंदर आए और उनको जीत ले। जो थोड़ा और कौतूहल रखेगा उसे शायद ये भी पता चल सकता है कि ईरानियों को इससे पहले भी यूनानियों ने दो बार हराया था, जब ईरानियों ने उन पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और इसलिए सिकंदर ने ईरान पर हमला बदला लेने के लिए किया था। मगर ईरानी दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि सिकंदर महानता से कोसों दूर था। वहां दिखेगा कि सिकंदर ने पर्सेपोलिस को जमींदोज कर दिया। एक रात एक ग्रीन नर्तकी के प्रभाव में आकर जमकर शराब पीने के बाद, और ये दिखाने के लिए कि वो ऐसा ईरानी शासक ज़ेरक्सस से बदला लेने के लिए कर रहा है जिसने कि ग्रीस के शहर एक्रोपोलिस को जला दिया था। ईरानी सिकंदर की ये कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिमी देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किए गए। मगर असल में ईरानी साम्राज्य पर विजय का महत्व था, इसलिए नहीं कि उनको सभ्य बनाना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस समय तक का विश्व का महानतम साम्राज्य था। मध्य एशिया से लीबिया तक फैला हुआ ईरान एक बेशकीमती इनाम था। करीब से देखने पर इस बात के भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि ग्रीक लोग ईरानी शासन और इसके शासकों के प्रशंसक थे। सिकंदर भी उस साम्राज्य की प्रशंसा सुनकर आया था। सिकंदर ईरान की प्रशंसा करने वाली कहानियों से अवगत रहा होगा। ईरानी साम्राज्य एक ऐसी चीज था जिसे जीतने में ज्यादा बड़ी बात उसे हासिल करना था। ईरानी बेशक उसे आतताई बताते हैं, एक बेलगाम युवा योद्धा, मगर सबूतों से यही पता चलता है कि सिकंदर का ईरानियों में एक आदर भी था। उसे हमले के कारण ईरान में हुई तबाही का अफसोस था। पर्सेपोलिस से थोड़ी दूर एक मकबरे का नुकसान देखकर वो बड़ा व्यथित हुआ था और उसने तत्काल उसकी मरम्मत के आदेश दिए थे। अगर 32 साल में मौत के मुंह में चला जाने वाला सिकंदर और अधिक जिया होता तो शायद वो और भी बहुत कुछ चीजों का जीर्णोद्धार करवाता। फिर शायद ईरानियों का मैसिडोनियाई आक्रमणकारियों से संबंध सुधरता और वे उन्हें भी अपने देश के इतिहास में शामिल करते, और तब शायद 10वीं शताब्दी में लिखी गई ईरानी कृति शाहनामा में सिकंदर केवल एक विदेशी राजकुमार नहीं कहलाता।